व्यूवर्स, मैं विश्वास है और आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल। आज मैं ज्वाइन किया इंडिया से रोहित शर्मा ने। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। नमस्कार, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी टू योर शो। हेलो हेलो, नमस्कार, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी टू योर शो। थैंक यू सो मच रोहित सर। अच्छा, आज हम जस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी के चर्चे तो हर तरफ हो रहे हैं, चाहे वो बात हो इलेक्शंस की या फिर इंडिया में किसी बड़े इवेंट के इनॉग्रेशन की। लेकिन आज की बड़ी अपडेट ये है कि उन्होंने शेख मोहम्मद के साथ मीटिंग की है यूएई में। आपको पता है कि मंदिर की इनॉग्रेशन पे भी वो पहुंचे और इस मीटिंग में मेजर डिस्कशंस हुई है बिजनेस को लेके और आगे फर्दर जितनी भी तरक्की दुबई कर चुका है और आने वाले टाइम में करने वाला, उन तमाम चीजों को लेके, उनकी इंस्पिरेशन लेने के लिए या फिर कोई अपना मफाद देखने के लिए, ये तो आप बताएंगे। किस किस नजर से देखें आप इस चीज को? महवेश जी, जितनी भी इंटरनेशनल अफेयर्स के मीटिंग्स होती हैं, जितनी भी इंटरनेशनल लीडर्स की मीटिंग्स होती हैं, कोई भी रिश्तेदारी के बेसिस पे नहीं होती, सारी इंटरनेशनल अफेयर्स के और सारी अपने मफाद के लिए होती। इसमें कोई भी प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनको जो कुछ लेना है अपने कंट्री के लोगों से लेना है, अपने वोट्स अपने कंट्री के लोगों से लेनी है, वहाँ उनको कोई पर्सनल फायदा नहीं है। क्योंकि हमारे कंट्री की डिमांड है कि इस समय प्राइम मिनिस्टर वहां हो, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर वहां है। यहाँ इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए बेटर ये होता कि वो यहाँ कैंपेन करते। ऐसे टाइम पे प्राइम मिनिस्टर वहां पर है यूएई में, जब हमारे कंट्री में एक फार्मर्स का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, फार्मर्स सड़कों पे बैठे हैं, पुलिस से क्लैश कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, बहुत बड़ा वो है प्रोटेस्ट है और इसे अनरूली प्रोटेस्ट है इनफैक्ट, और इस अनरूली प्रोटेस्ट को टैकल करना इस समय प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ पे आके अमित शाह होम मिनिस्टर यही है इस समय और प्राइम मिनिस्टर के साथ इनकी बातचीत कंटिन्यूस चल रही है, नो डाउट अबाउट इट। प्राइम मिनिस्टर जैसे बोलते, प्राइम मिनिस्टर को बार बार बताया जा रहा है क्या पोजीशन है और उनके लिए ज्यादा जरूरी था कि वो यहाँ होते, लेकिन क्योंकि इस समय यूएई जाना ज्यादा जरूरी था, एक तो उनकी एक समिट भी थी, वो समिट में गए, साथ में एक मंदिर का इनॉग्रेशन था, साथ में यूएई हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा, यूएई इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है वो भी कश्मीर में, जितने इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहा है वो एक फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो तो है ही है, तो दोनों कंट्रीज को फायदा है, यूएई को भी फायदा है, हमें भी फायदा है। यूएई के लिए लॉन्ग टर्म तेल खत्म हो जाएगा, यूएई लॉन्ग टर्म यहां से पैसा ले सकता है हमसे इन्वेस्टमेंट्स पे। दूसरी चीज, यूएई को, यूएई एक प्रोजेक्शन भी है कि मुस्लिम उम्मा कश्मीर पे हमारे साथ है। ये यूएई वो कंट्री है जो 1990s में हमारे क्रिकेट प्लेयर्स ने शारजा में खेलने से मना कर दिया था, इतनी वहां पर नारेबाजी होती थी हमारे इंडिया के खिलाफ, हिंदूज के खिलाफ, हमारे क्रिकेट टीम वहां खेलने से बंद कर दिया, खेलने से मना कर दिया था, बहुत साल तक इंडियन क्रिकेट टीम वहां खेली नहीं थी, और आज वो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देते हैं, दे रहे हैं। Look at the change. This change has been brought about in the past 10 years. 10 साल में ये चेंज आया है। यूएई वो कंट्री है जहां पे हमारे लोग एक टाइम पे मजदूरों के लड़ जाते थे, आज यूएई के बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े बिजनेसेस इंडियंस ओन करते हैं, बुर्ज खलीफा में इंडियंस की प्रॉपर्टी है, पाम जुमेरा में इंडियंस की प्रॉपर्टी है, इंडियंस हैव हाउसेस ओवर देयर, इंडियंस वहां पे प्रॉपर्टी खरीदने में, इंडियंस वहां पर प्रॉपर्टी बनाने में, होटल्स बनाने में, इंडियंस वहां पे बिजनेस खड़ा करने में, चाहे वो लुलू ग्रुप हो या कोई और ग्रुप हो, इंडियंस वहां पे बिजनेस बनाने में बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेस रहे हैं। वहीं से हमारा जम्बो ग्रुप चलता है, जैसे डनलप टायर्स, बहुत मनु छाबड़िया साहब को, मनु छाबड़िया की डेथ हो गई, उनकी डॉटर्स चला रही है उस बिजनेस को, बहुत बड़े बिजनेसेस वहां से चल रहे हैं यूएई से। तो ये देखने की बात है कि इंडिया अमेरिका रिलेशंस कितने सॉलिड हैं, इंडिया यूएई रिलेशंस कितने सॉलिड हैं, इंडिया अमेरिका रिलेशंस भी सॉलिड हैं। इंडिया अमेरिका इजराइल और यूएई I2U2, ये जो है ये एक बड़ा ग्रुप बन के उभरा है, गल्फ रीजन में इंडियन एक्सपेंशन की ओर दिमाग लगाता है, देन इस ग्रुप में ये जो I2U2 है और यूएई हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के सामने जो इंडियन
कॉरिडोर खड़ा हो रहा है जिसको यूरोप की सपोर्ट है, वो गल्फ रीजन से ही निकलेगा और यूएई उसका एक बड़ा पार्टनर होगा। सऊदी अरेबिया भी इंडिया के साथ उतनी अच्छे रिलेशंस रखता है। I2U2 में इसराइल भी है, वहां पे हाइफा पोर्ट अभी हमारे हाथ में है, दैट इज लुकिंग टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन सी। और ये यूएई, अब यूएई पूरा देखेगा पूरे गल्फ रीजन की ओर, तो हमारी प्रेजेंस वहां पे, स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस भी है हमारी, हमारी बिजनेस प्रेजेंस भी है, हमारी इकोनॉमिक प्रेजेंस भी है, बहुत सारी तरीके की प्रेजेंसेस हैं हमारी वहां पे। और हम वहां पर, हमारे इंटरेस्ट वहां है, क्यों? क्योंकि चाइना वहां अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां गए हैं, तो जिस तरीके का स्वागत यूएई में मिला है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, दैट इज फैबुलस। वहां पे एक मंदिर इनॉग्रेट किया गया, आई नो पाकिस्तान में ज्यादातर लोग इस मंदिर से खुश नहीं है, और पता नहीं क्यों खुश नहीं है उनका, उनको लगता है कि शायद हमने उनसे उनकी एक किडनी निकाल ली। ऐसा कुछ नहीं हुआ, यूएई ने उनकी परमिशन से दिया है, हमने जो कुछ भी है कंट्री है यूएई, हम हमें बोल रहा है, आफ्टरऑल हमारे कंट्री में इतनी सारी मस्जिदें हैं, तो वो उन्हें एक मंदिर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यूएई के चीफ ये बात बोल चुके, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनसे आज मीटिंग हुई है, बहुत सारी बातों पे मीटिंग्स हुई स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में। अच्छा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल इस समय साथ हैं वहां पे, फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा साथ हैं। ये जो टीम है ना तीनों की, ये टीम बहुत सॉलिड टीम है, ये तीनों काम करते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर उसको फाइनल कर देते हैं। ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएई के लिए भी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमें जरूरत है, यूएई को भी जरूरत है, यूएई को भी एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो कि उसका लॉन्ग टर्म एलाई बने, अच्छा एलाई बने, क्योंकि सारे मुस्लिम कंट्रीज जा रहे हैं मुस्लिम उम्मा के लिए, मुस्लिम उम्मा दे लुक एट सऊदी अरेबिया। तो हमारे साथ कौन है? सऊदी अरेबिया, अगर मुस्लिम उम्मा सऊदी अरेबिया की जाए की तरफ देखता है तो यूएई के साथ कौन है? यूएई के दिमाग में ये बात है, तो यूएई अपने विंग्स फैला रहा है, एरिया में फैला रहा है, हम यूएई के साथ अच्छे रिलेशंस में हैं। ये वही यूएई है जो 1971 वॉर में पाकिस्तान के साथ खड़ा था। आज यूएई हमारे साथ खड़ा है इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में, अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और पूरी मुस्लिम उम्मा को दिखा रहा है कि कश्मीर इज नॉट एन इशू। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर का बहुत सक्सेसफुल विजिट है, प्राइम मिनिस्टर विल कम बैक लाफिंग। और इस समय जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो तो बड़ी ही अजीब सी है कि प्राइम मिनिस्टर अभी बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के सामने बहुत कुछ हो रहा है, एक बजट भी देना है प्राइम मिनिस्टर को, वो कैसा बजट होगा वी डोंट नो। हाँ, इन्फ्लेशन आने वाली है पाकिस्तान में, ये मुझसे लिखवा के रख लीजिए आप, क्योंकि पैसा है नहीं। उस इन्फ्लेशन के लिए आपने देखा है कि रमजान भी आ रहा है, हमने लोगों के लिए क्या तरक्की सोची है, क्या उनके लिए खुशखबरी हम लेके आ रहे हैं? देखिए, सस्ता राशन देने से कभी इकोनॉमी स्ट्रांग होती हो या कंट्री के बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग होते हो तो मुझे बता दीजिएगा। सस्ता राशन इंडिया में भी दिया जा रहा है, इनफैक्ट फ्री में दिया जा रहा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये वही कंट्री है इंडिया जिसमें एक इंडिया की हाई कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था कि आप मेरे लोगों को फ्री में दे रहे हो सब कुछ, फ्री बीज दे रहे हो, सस्ता अनाज दे रहे हो, सस्ता खाना दे रहे हो, इसलिए मेरी यूथ जो है वो काम नहीं करना चाहती। इंडिया में जो 80 करोड़ को दिया जा रहा है वो कोविड टाइम से दिया जा रहा है और उसको अभी हम विड्रॉ नहीं करना चाहते, गरीबों को मिल रही है, ठीक है, अच्छी बात है, व्हाट वी हैव सीन, लेकिन सस्ता राशन देने से कभी भी, या सस्ता किसी भी चीज की सब्सिडी देने से कभी भी नहीं होता है। आपको हर चीज प्रॉफिटेबल लानी पड़ेगी और एम्प्लॉय भी प्रॉफिटेबल लाना पड़ेगा, आपको 10 चीजें नहीं खोलनी पड़ेंगी। इकोनॉमी कभी भी ट्रेडिशनल इकोनॉमी के एंगल से नहीं चल सकती, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। ट्रेडिशनल इकोनॉमी से बाहर नहीं निकलना चाहता पाकिस्तान, पाकिस्तान शुड नो दैट ट्रेडिशनल इकोनॉमी से नहीं चलेगा, यू हैव टू कम आउट। और मतलब आईटी और ये सब तो कोई जानता ही नहीं। आप लोगों ने सस्ता राशन देने की कोशिश की है, ये समझिए सस्ता राशन क्यों देना पड़ रहा है किसी को, इसलिए देना पड़ रहा है कि राशन अफोर्ड नहीं कर पा रहा कोई। इंडिया में हमने कोविड टाइम पे शुरू किया था, अब वो जो पॉलिसी है वो लगभग नॉन एग्जिस्टेंट है, सब अपना खरीद खा रहे हैं, लेकिन हाँ पॉलिसी हमारी है, जिसको चाहिए ले ले और दिया जा रहा है, ठीक है ना। ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान सस्ता राशन क्यों दे रहा है, इसलिए दे रहा है ना
कि लोग खरीद नहीं पा रहे। डेफिनेटली सर, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा, अबू धाबी के अंदर इनॉग्रेशन पे नरेंद्र मोदी पहुंचे। अगर बात की जाए रशिया की, तो रशिया के स्कूल्स के अंदर भी इंडियन कल्चर को, इंडियन हिस्ट्री को पढ़ाया जाता है बच्चों को। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों का जो है इंडियन बेसिक सनातनी रिलीजन, ये भी स्प्रेड होता जा रहा है। कल्चर, हिस्ट्री, हर ट्रेडिशन, हर चीज़ जो है ग्लोबली स्प्रेड होता होती जा रही है। क्या वजह है कि मुस्लिम कंट्रीज भी इसको अडॉप्ट कर रही हैं? देखिए, कल्चर जो है या हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री इज हिस्ट्री। हिस्ट्री में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो कि आप बोलें कि भाई नहीं ये सही है ये गलत है, ठीक है। हिस्ट्री में आपकी एनालिसिस हो सकती है, लेकिन इवेंट्स तो आपके इवेंट्स है ना। आपको हिस्ट्री पढ़ाने से फायदा क्या होता है? क्यों हिस्ट्री पढ़ी जाती है? हिस्ट्री इसलिए पढ़ी जाती है कि जो गलती किसी ने की वो गलती हम नहीं करें, वरना ये ह्यूमन ब्रेन है, ये कभी भी उल्टा सोच सकता है। हम लोगों को तुगलक पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अशोक पढ़ना इम्पोर्टेंट है। अशोक की पॉलिसीज कितनी, उनके फायदे क्या थे, उनके नुकसान क्या थे। तो तुगलक ने कैपिटल यहां से चेंज की थी, दिल्ली से चेंज की थी, हमें यह भी पता होना चाहिए कि उसमें फॉल्ट्स क्या थी, ये चीज। तो हिस्ट्री रशिया में इंडियन हिस्ट्री आज पहली बार नहीं है जो पढ़ाई जा रही है। जब सोवियत यूनियन के जमाने में इंडिया में रशियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी और रशिया में इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, और साथ में रशिया में इंडियन कल्चर पढ़ाई जाती थी और इंडिया में रशियन कल्चर पढ़ाई जाती थी। मुझे भी अच्छी तरह से पता है, मैं भी स्कूल में था, हमने भी पढ़ी थी। स्कूलों के नाम नहीं होते, स्कूल्स के नंबर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और हमारे इंडिया में रशियन पेनफ्रेंड्स हुआ करते थे, हम रशियन उनसे इंग्लिश में बात करते थे, वो हमसे इंग्लिश में पेनफ्रेंड होते थे। स्कूल्स के हमारे ट्रिप्स जाते थे सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन के स्कूल्स के ट्रिप्स इंडिया आते थे। हमारा आज से नहीं है, रशिया से बहुत पुरानी दोस्ती है, उस जमाने में सोवियत यूनियन होता था। और हमारी दोस्ती इतनी अच्छी हुआ करती थी कि इफ यू आर इन इंडियन एंड रशिया तो आपकी रिस्पेक्ट अलग होती थी, एंड इफ यू आर सोवियत यूनियन, इफ यू आर सोवियत इन इंडिया, आपकी रिस्पेक्ट अलग होती थी, बाकी सारे कंट्रीज से अलग रिस्पेक्ट होती थी। तो वो आज भी है, दैट कंटिन्यूज इवन टुडे। इंडिया रशिया ज्वाइंट फ्रेंडशिप, जितनी भी फ्रेंडशिप है, जितने इंडियन स्टूडेंट्स रशिया जाते हैं पढ़ने के लिए या फॉर्मर सोवियत यूनियन जाते हैं पढ़ने के लिए, उतने कहीं नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमारी वहां से दोस्ती अच्छी है। वहां पर एक टाइम था जब सोवियत यूनियन के ही जो, या अभी करंट रशियन पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि एक टाइम था कि लेनिनग्राड, स्टालिनग्राड, सेंट पीटर्सबर्ग, उसे कुछ भी बोलिए, वहां के मिलिट्री प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया पूरे सोवियत यूनियन को राशन देता था, और दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन हस एंड वी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन देम फॉर मिलिट्री हार्डवेयर। और आज भी हमारे पास मिलिट्री हार्डवेयर क्या है, हमारे शिप्स जितने भी हैं वो ज्यादातर हमारे सोवियत के हैं, मतलब रशियन हैं। हमारे पास सुखोई है, हमारे पास मिग है, हमारे पास जो प्लेन है, हमारे पास जो टैंक्स हैं T-90, और ये सारा रशियन बैकग्राउंड है। तो ये समझेंगे कि वी मिलिट्री हार्डवेयर हमारा वहीं से, अब S-400 भी हमने वहीं से खरीदा है। तो और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो इसरो के पास टेक्नोलॉजी थी, वो भी हमने रशिया ने ट्रांसफर की थी, ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो हमारे बहुत पुराने रिलेशंस रहे, हमारे एक ही एस्ट्रोनॉट आज तक ऊपर गया है। उस जमाने में स्क्वाडन लीडर थे, आज विंग कमांडर राकेश शर्मा, वो भी सोवियत यूनियन से गए थे बायकोनूर कॉस्मोड्रोम से। तो हमारी इतने पुराने दोस्ती है। अच्छा, बाकी कंट्रीज की भी बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की, ये प्यार नहीं है, दिस इज नॉट म्यूचुअल रिस्पेक्ट और प्यार, दिस इज द फैक्ट कि उन लोगों ने, मुस्लिम कंट्रीज ने एक चीज एक्सेप्ट की है कि इस दुनिया में सिर्फ 30% या उससे थोड़े कम मुस्लिम्स हैं, बाकी वर्ल्ड जो है वो नॉन मुस्लिम्स की है। और अगर आप ऐसे करके चलोगे कि काफिर को मारो या काफिर की जमीन छीनो या काफिर का पैसा छीनो, तो नहीं चल पाएगा। एक कंट्री जो कि बिल्कुल शरीयत पे चलता था, जिसका नाम था सऊदी अरेबिया, उस कंट्री में कोई मस्जिद के सिवा कुछ और अलाउड नहीं होता था। आज उधर लिकर स्टोर खुल गया है, आज उधर फिल्में चल रही हैं। सोचने वाली बात, पाकिस्तान में अलाउड नहीं है लेकिन वहां अलाउड। ये सोचने वाली बात है कि कितना वो कंट्री चेंज हो रहा है।
सर, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि यूएई में हमें कभी ये चीजें देखने को नहीं मिली थी, अब देखने को मिली। और ना सिर्फ इतना बल्कि पाकिस्तान के लोग आज वहां जाते हैं, ये कह लो कि बहुत माइनर जॉब्स के लिए या एज अ वर्कर, एज अ लेबर जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का वेलकम इतने अच्छे से तरीके से किया गया, बुर्ज खलीफा पे उनकी पिक्चर और इंडियन झंडा जो है दोनों को इतने अच्छे तरीके से लोगों के सामने पेश किया गया। एक ये वेलकम था, और ऑन अनदर हैंड साइड मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद एक पाकिस्तानियों का वेलकम होता है। क्या वजह है? क्या ये वजह है जो अभी आपने इतनी लंबी फहरिस्त एक्सप्लेन की, लिस्ट एक्सप्लेन की, कि इंडिया जो है वो इतनी सारी चीज़ों में आगे है, ग्रो कर गया है, ग्लोबली लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, या फिर कोई रीज़न, या नरेंद्र मोदी जी की वर्थ इतनी हो गई है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपनी वर्थ तो है, इसमें कोई शक नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ऐसे आदमी हैं जिसका अमेरिका की में एंट्री पे बैन लगा हुआ था, वीजा नहीं दिया जाता था। आज कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो कि मतलब कोई ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं है पिछले 10 साल में जिसने मोदी के साथ गले ना मिले हो, मोदी के लिए चाय ना बनाई हो। हुआ है, आपके सामने है, एक फंक्शन था हाउडी मोदी, वो हाउडी मोदी फंक्शन पे डोनाल्ड ट्रंप खुद पहुंच गए थे। वो तो मोदी का फंक्शन था, ट्रंप की जरूरत ही नहीं थी वहां पे, ट्रंप पहुंचे थे। ट्रंप गले मिल रहे थे, बाइडन गले मिल रहे हैं, और ऊपर से ओबामा गले मिल रहे थे, यही ओबामा था ना। और उसके बाद जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी इलेक्ट हुए एज प्राइम मिनिस्टर, अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया वॉज सैक्ड। सिर्फ इसीलिए सैक कर दिया गया कि तुम्हें ये नहीं पता था कि मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, हमें पहले बताते, हम उसको वीजा इशू कर देते। ये समझने वाली बात, दिस वॉज अ बिग डील। अच्छा, दूसरी चीज, अरब कंट्रीज, इनको भी पता है यार कि ऐसे आइसोलेटेड नहीं चल सकते हम लोग। ठीक है, रिलीजन अपनी जगह है, हम लोग चला रहे हैं। यहां तक के सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस का स्टेटमेंट क्या आता है कि हदीस तो प्रॉफिट मोहम्मद के 200-300 साल बाद लिखी गई थी, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। ये सोचने वाली बात है भाई। दे आर जिस अकेला कंट्री जिसके जिसके फ्लैग पे कलमा लिखा हुआ है वो बोल रहा है कि हम हदीस पे विश्वास नहीं कर सकते। वो ये बोल रहा है कि ये लिकर अल्कोहल हम बेचेंगे, वो ये बोल रहा है कि हम एशियन गेम्स कराएंगे। पाकिस्तान ऐसा ही है, मतलब पाकिस्तान में अब सारे भी, पाकिस्तान में अब भी या तालिबान अब भी बुरका पहनवा रहा है लेडीज को, वहां पर बुरका छोड़ा जा रहा है। अभी आने दो, अभी आने दो, आप एशियन गेम्स देखना, कोई बुरके में तो स्विमिंग नहीं होगी ना, स्विमिंग कॉम्पिटिशन होगा, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स होंगे, लड़कियां शॉर्ट्स में दौड़ेंगी, देख लेना, मेरे आपके सामने की बात है। सऊदी अरेबिया कितना चेंज हुआ है जिसने लेडीज को वोटिंग वोटिंग तो सॉरी मतलब ड्राइविंग राइट नहीं दिया था, ड्राइव करने का राइट नहीं था, कार ड्राइव करने का राइट नहीं था, आज वहां लेडीज कंधे से कंधा मिला के चल रही है। ये इम्पैक्ट है कई चीजों का। आपने स्विमिंग वाली बात की ना, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। पाकिस्तान में ना एक इवेंट हो रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके अंदर ना बहुत सारी कंट्रीज के बच्चे थे और बहुत सारी डिफरेंट सिटीज के बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो फुटबॉल का था, और उस फुटबॉल के अंदर ना लड़कियां शॉर्ट्स पहन कर आई। अब वो शॉर्ट्स कितनी थी, नीज तक, आई गेस हाँ नीज तक था, और उसके नीचे उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सॉक्स पहनी हुई थी, सिर्फ इतनी इतनी टांगे नजर आ रही थी, लाइक 4 फिंगर्स, इतनी सी बस। और वो इतना सा देखने के लिए पूरे शहर के लोग इकट्ठे हो गए, और इतना रश हो गया कि उन्होंने इवेंट डिले करना पड़ा। उन्हें इतनी आवाम और इतने ज्यादा स्पेशली लड़के इतने ज्यादा हो गए थे कि वो पूरा इवेंट स्पॉइल हो गया, और उन्होंने उन लड़कियों को वापस भेज दिया कि यार आज नहीं, हम कल इसको बगैर बताए ऑर्गेनाइज कर लेंगे। इतना बैड बहुत सिनेरियो था, तो ज्यादा यहाँ किस परमिशन की बात कर खैर यहाँ तो ये सब चीजें पता नहीं कब तक चलती रहेंगी। यूएई को लगा, और उनको भी खुद भी देखा उन्होंने कि यार दुनिया से नहीं चल सकती, और हमें ग्लोबली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसके लिए हमें सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। इसको एंड करते हैं। थैंक यू सो मच रोहित सर फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग। फर्दर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छे अच्छे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग अपने सजेशन दे सकते हैं फॉर फर्दर वीडियोज। जितना हो सके हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोहित सर के चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे मैं इसको इजाजत अल्लाह।